हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इनविजिबल पाइपिंग लगाना। तो यहाँ पर ये इनविजिबल पाइपिंग मैंने लगाई हुई है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पाइपिंग हमारी यहाँ पर आएगी, और वो भी सिंगल फुटर की मदद के बिना। तो मैं आपको ये डबल फुटर से ही बताऊंगी कि आप किस तरीके से पाइपिंग को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दो फैब्रिक की कटिंग कर ली है, और पाइपिंग बनाने के लिए बायस स्ट्रिप की कटिंग मैंने कर ली है। अगर आपको नहीं पता इसकी कटिंग कैसे की जाती है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और पाइपिंग के लिए हमें चाहिए होगी ये डोरी। अब हमें यहाँ पर चाहिए इस तरीके का एक नुकीला सा पेचकस। तो यहाँ पर मेरे पास ये पेचकस है जो कि काफी बड़ा है, तो आपको इस तरीके से एक पेचकस लेना है, या कोई भी ऐसी पतली चीज लेनी है जो कि सख्त तो टूटे ना। अब ये जो हमारा ये गोल राउंड है यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ गैप है, तो इस गैप में ये वाला जो नुकीला पार्ट है हमें इस तरीके से खड़ा रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से है, ऐसे खड़े में हमें इसको रखना है। इसको यहाँ पर हमें इसके नीचे फंसाना है, और उससे पहले ध्यान रखना है कि आपकी ये जो सुई है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इसको हमें खड़े में इस तरीके से रखना है, इसके बीच में यहाँ पे फंसाना है, यहाँ पर थंब से इस तरीके से पकड़ते हुए इसको हमें इस तरीके से घुमाना है। तो ये आप निडल के बराबर में इसको घुमा लें, सेट कर लें। तो अब ये निडल आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल हमारी एकदम कोने में यहाँ पर आ गई है। अब ये जो धागा है हमारा, इसको हमें बाहर की तरफ कर लेना है। और पाइपिंग बनाते वक्त ये जो हमारा नोब होता है इसको टाइट रखें, इससे आपके जो नीचे धागे होते हैं उसमें रिंग्स वगैरह नहीं पड़ती है, जो उठा उठा पार्ट दिखता है वो नजर नहीं आता है। फैब्रिक के अंदर डोरी को थोड़ा ऊपर रखेंगे, और इस तरीके से हम इसमें इक्वल करते हुए इसको मिलाते हुए फोल्ड करेंगे। अब ये जो डोरी हमारी इस साइड नहीं होगी, इस साइड होगी, क्योंकि यहाँ पर ये गैप हमारा इस साइड है, तो ये डोरी हम इस साइड से लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम डोरी के टच में रखना है, और नीडल को पहले इंसर्ट करेंगे, थोड़ा आगे लाएंगे, इस तरीके से हमारी डोरी आएगी। अब हम इसे स्लीव में ज्वाइंट करेंगे। इसको हम पहले क्वार्टर इंच कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हमें इस तरीके से खोलना है, ये अंदर की तरफ राइट साइड है, राइट साइड में हम यहाँ पे इस तरीके से लेना है पार्ट को, और ये जो हमारी पाइपिंग है इसको हमें अंदर की तरफ से लगाना है। तो अब ये इस साइड से हमारा फुटर हमारा नहीं लगेगा, तो इसको हमें यहाँ पर इस साइड में ऐसे लगाना है, इसे हम यहाँ नीचे से लगाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये राउंड का एरिया है, तो राउंड के एरिया में हमें इस तरीके से कट लगा लेना है। तो ये कट हमें पट्टी वाली साइड पे लगाना है। अभी जो पाइपिंग वाली साइड है इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, और जो स्टिच लगाई है उसी के ऊपर हमें स्टिच लगानी है। अब ये जो राउंड है यहाँ पे नॉच मार्क कर लेंगे, और इसको सीधा करेंगे।
अब ये जो पाइपिंग हमने लगाई है इसको हम आयरन से यहाँ पे सेट करेंगे। अब आयरन करने के बाद इस पर हम यहाँ पर लब की स्टिच लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये पाइपिंग की फिनिशिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी इजीली हमने यहाँ पर पाइपिंग को बनाया है। तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पर चेंज करके बना सकते हैं। तो इसको हम सिंपली यहाँ पर नीडल को ऊपर की तरफ करेंगे। ये हमारा नॉर्मल यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।